एक जनवरी 2019 को नया साल को हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों काला दिवस के रूप में मनाएंगे आप लोग? एक जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में तथा अप्रैल 2005 में राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दी गई थी। पुरानी व्यवस्था बंद करने के बाद नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू की गई, जिसको 14 सालों के बाद आज देखा गया है कि एनपीएस का आज कोई रोल नहीं रहा है, एक कर्मचारी से छलावा हुआ है। हम विभिन्न संगठनों के साथ मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। और 2013 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी ने खुद चिट्ठी लिख करके पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आह्वान किया था, और आज वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इसको लेकर के हम 1 जनवरी 2019 में पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग करते हैं तथा काले दिवस मनाते हैं। हमारे देश में 60 लाख कर्मचारी कल काली पट्टी बांध करके अपने कार्यालयों में काला दिवस मनाएंगे। किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन पर लागू है और उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? उत्तर प्रदेश में 13 लाख पेंशन विहीन साथी हैं जो कि पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था चालू है।